17 अक्टूबर को नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जहां हिंदी सिनेमा से जुड़े कई दिग्गज कलाकारों को इस खिताब से सम्मानित किया गया। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ये अवार्ड समारोह एक साल की देरी से हो रही है। वहीं नेशनल अवार्ड की घोषणा सितंबर में कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट समेत कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी जैसे कई सारे कलाकारों को अवार्ड मिला। राष्ट्रीय समारोह में भी एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर का दबदबा देखने को मिला। इसके अलावा सिंगिंग में एक बार फिर से श्रेया घोषाल को नेशनल अवार्ड दिया गया। वही बता दें कि अनुराग ठाकुर ने इस खास मौके पर स्पीच भी दी। उन्होंने वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की खुशी में बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने सम्मान पाने वाली फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी महिलाओं को खास तौर पर बधाई दी, साथ ही और लोगों का हौसला बुलंद किया। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो इस तरह से कोरोना काल में कलाकारों ने बिना ब्रेक लिए हुए काम किया, वो काफी साहसी कदम था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सभी पाड्रेसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पकड़े जाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वही सूत्रों के मुताबिक अवार्ड सेरेमनी दिल्ली में 1:30 बजे से डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुका था, जहां इस पूरे इवेंट को लाइव देखा गया। वही आपको बता दें कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में उन फिल्मों को सम्मानित किया गया जो 2021 से 2022 में रिलीज की गई थी। We'll be right back.